क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक आयताकार लोन की लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में दोगुनी है, भुजाओं पर चार अर्धवृत्त भागों में बढ़ाया जाता है। ओके, आयत की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? तो बेसिकली जो हमें बोला गया है ना फिगर, वो इस तरीके से, अगर मान लो एक आपका आयत है ना, इसकी भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाया जाता है, यानी कि एक ऐसे बना दिया गया, एक ऐसे बना दिया गया, फिर ऐसे बना दिया गया और ऐसे बना दिया गया। ध्यान रहे ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, यानी कि आधा आधा है। अगर इसको मिला देंगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा, इसको इसको मिला देंगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत करना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फिगर बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बोला गया है कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ब्रेथ लिखूँ, यहाँ पर लेंथ लिखूँ, तो लेंथ दो है तो ब्रेथ वन है। अब सबसे छोटी भुजा 12 सेंटीमीटर, एक की वैल्यू 12 है तो यहाँ से एल की वैल्यू 24 हो जाएगी। तो सिंपल यहाँ से ब्रेथ जो है 12 है और लेंथ कितना गया 24 आ गया, तो एरिया कितना आ जाएगा रिटेंगल का, लेल इंटू बी होता है, तो हो जाएगा कितना आपका 12 इंटू 24, तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो, अब हमें इसका निकालना होगा ना। अब तो हमें मालूम चल गया कि इसका जो लेंथ है कितना 12 है और इसका लेंथ 24 है, ये पूरा लेंथ 12 है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा इस वाले वृत्त का, 6 हो जाएगा, और ये वृत्त और ये वृत्त मिला देंगे तो पूरा हो जाएगा। यानी कि हम इसका एरिया निकालना चाहें तो 2 कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू 3.14 बोल रखा है इंटू आर, यानी कि 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, इसका एरिया 36 हो गया। उसी तरीके से इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये पूरा लेंथ 24 है तो आधा लेंथ आधा इसका रेडियस हो जाएगा 12, और पूरा इसको मिला देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। तो छोटे वाला वृत्त का जो है एरिया आपका ये आया, और बड़े वाले वृत्त को मैं निकालना चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ 3.14 × 144, क्योंकि एरिया ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें सबको ऐड करना है भाई, देखो काफ़ी, अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो 3.14 मैं कमन निकाल सकता हूँ, इसके अलावा 36 भी कमन निकाल सकता हूँ, यानी कि 3.14 से 36 कमन निकाल दूंगा। देखो यहाँ पर 4 × 5, यानी कि 3.14 × 36 × 5 ये हो गया, और प्लस का 288, इसको ऐसे लिखता हूँ ना 12 × 24 लिखता हूँ, देखता हूँ कैसे इसको सोल्व होता है। अब देखो इसमें से मैं 12 को कमन निकाल सकता हूँ अच्छे से, 12 अगर मैं यहाँ से कमन निकालता हूँ, 12 क्या यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको 3 × 8 लिख सकता हूँ, ऐसे करो इसको ना, 12 × 24 को हम यहाँ से 36 × क्या लिख सकता हूँ 8 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से डायरेक्ट मैं यहाँ से 36 कमन निकाल लेता हूँ, तो हो जाएगा 3.14 × 5, अगर मैं मल्टीप्लाई करता 5 × 20 और 5 × 2 = 10, 2 × 12 = 15, 15 × 16, तो 10 मैं यहाँ से हटा जाता हूँ, 16.2 आ गया, और प्लस का ये हो गया 8, तो ये हो जाएगा कितना आपका 36 × 8 × 10 और 8 × 14 यानी कि 24.2। इसको मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में तो 2 आना चाहिए और एक ही ऑप्शन है यार, देखो ऐसे भी करोगे 360 और ये कितना हो जाएगा आपका 360 में 2 करके 720 आएगा, तो जाहिर सी बात है ये ए से तो ज़्यादा ही आएगा वैल्यू, ए से ज़्यादा कौन सा वैल्यू, एक ही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुल एरिया कितना हो जाएगा 853.2।